हम लोग टैकीकार्डिया का एक टैकीअरिथमिया का एक केस देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया जा रहा है 72 साल का एक आदमी है जिसको कंप्लेन हुआ चेस्ट पेन का। हार्ट रेट उसका 450 बीट्स पर मिनट तक उठ चुका हुआ है। इसी चीज अब किया गया तो पी वेव नॉर्मल आ रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल आ रही है, 0.14 सेकंड का आ रहा है और टी वेव भी आपकी नॉर्मल आ रही है। कोई भी एविडेंस नहीं वर्क पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम की या फिर एक्सेसरी पाथवे की, लेकिन आरआर इंटरवल आपकी बिगड़ चुकी हुई है। डायग्नोसिस इस बंदे का बीपी आपका 110/70 है, हार्ट रेट 450 है, रेस्पिरेटरी रेट 16 प्रति मिनट है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई शॉक नहीं है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने हार्ट रेट को चेक किया। हार्ट रेट अगर 60 से कम होती तो ये ब्रैडीअरिथमिया होती, लेकिन ऐसा किस्सा नहीं है। यहाँ पे हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, इसलिए टैकीअरिथमिया है। टैकीअरिथमिया चेक करने के बाद हम लोग क्यूआरएस का ड्यूरेशन और मॉर्फोलॉजी चेक कर रहे होते हैं। सिंस क्यूआरएस का ड्यूरेशन और मॉर्फोलॉजी दोनों ही नॉर्मल है और वल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम या एक्सेसिव पाथवे का कोई एविडेंस भी नहीं है, इसी वजह से सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया हो गया। लेकिन अगर क्यूआरएस इंटरवल आपकी 0.14 सेकंड से ज्यादा होती या फिर पॉलीमॉर्फिक क्यूआरएस वेव होती तो फिर ये वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया हो जाती। अब सिंस ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया है तब हम लोग पी वेव को चेक करते हैं। पी वेव अगर एब्सेंट होती तो पीएसवीटी हो जाती, पी वेव अगर एब्सेंट होती तो पीएसवीटी हो जाती, लेकिन पी वेव प्रेजेंट है इसी वजह से एट्रियल टैकीकार्डिया होगी या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन होगी या फिर एट्रियल फ्लटर होगी। अब इसमें ना हम लोग दो चीजें चेक कर सकते हैं, एक है हार्ट रेट और एक है आरआर इंटरवल। यहां पे हमारी हार्ट रेट 450 अगर पार कर जाती तो एट्रियल टैकीकार्डिया होती, 350 पार कर जाती तो एट्रियल फिब्रिलेशन होती, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही होती तो ये एट्रियल फ्लटर होती। यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे हार्ट रेट तुम्हारी 450 है प्लस यहाँ पे आरआर इंटरवल तुम्हारी इरेगुलर है, इसी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन है। यहाँ पे बोला जाए वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमिया में भी हम लोग हार्ट रेट चेक करते हैं, अगर 100 पार कर जाती तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती, अगर 250 पार कर जाती तो वेंट्रिकुलर फ्लटर होती, और अगर ओकेओटिक होती तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती। सिंस हम लोग को पता चल गया कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, अब हम लोग हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है या नहीं ये चेक करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बीपी 110 है, तो फिर तुम्हारी रेस्पिरेटरी रेट तुम्हारी सही सलामत है, कोई शॉक नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो हम लोग मानते हैं कि हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है। अगर हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल नहीं होता तो हम लोग डीसी शॉक दे रहे होते हैं, लेकिन सिंस पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है इसलिए सबसे पहले हम लोग फास्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फास्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर चला रहे होते हैं। इसके अलावा अगर बीटा ब्लॉकर से काम नहीं बनी तो हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चला सकते थे, डाइजॉक्सिन चला देते या फिर एमियोडेरोन चला देते। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन को साइनस रिदम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए या तो हम लोग डीसी शॉक डाल सकते हैं या फिर ईवीटी लाइट डाल सकते हैं। इस केस में हम लोग डीसी शॉक डालना ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग साइनस रिदम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए या तो एमियोडेरोन डाल सकते थे या फिर सोटालॉल डाल सकते थे। यहाँ पे हम लोग एमियोडेरोन ही डाल रहे होते हैं, डालने का सोचेंगे। तो इसी वजह से हमारा रिपोर्ट क्या बना, 72 साल का आदमी आया हुआ है चेस्ट पेन का कंप्लेन लेके, हार्ट रेट उसका 450 बीट्स पर मिनट है, ईसीजी करके देखा तो इरेगुलर आरआर इंटरवल मिल रही है, पी वेव क्यूआरएस वेव और टी वेव सब कुछ नॉर्मल मिल रही है, कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारी डब्ल्यूपीडब्ल्यू या फिर एक्सेसरी पाथवे का, बीपी 110/80 है, रेस्पिरेटरी रेट तुम्हारा 16 प्रति मिनट है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई शॉक नहीं है। सिंस हार्ट रेट तुम्हारा 100 पार कर जा रही है, इसी वजह से तुम्हारी टैकीअरिथमिया होगी और क्यूआरएस की ड्यूरेशन और मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है, इसी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगी। लेकिन पी वेव यहाँ पे नॉर्मल है, इसी वजह से पीएसवीटी नहीं है, बाकी तुम्हारे हार्ट रेट 350 पार कर रही है और आरआर इंटरवल इरेगुलर है, इसी वजह से ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन पे हम लोग देख के चेक करते हैं पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं। अब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है क्योंकि इसका बीपी तुम्हारा 110 है, फिर कोई शॉक नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसमें डीसी शॉक नहीं दे रहे होते। पहले हम लोग फास्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल देके, फास्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल देके, उसके बाद हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन को साइनस रिदम में बदल दे रहे होते डीसी शॉक डाल के। एट्रियल फिब्रिलेशन को आगे चलकर हम लोग साइनस रिदम में बदल देंगे डीसी शॉक डाल के, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग साइनस रिदम को मेंटेन करने के लिए इस पेशेंट पे एमियोडेरोन चालू कर देंगे, उसका डीसी साइनस रिदम को मेंटेन करने के लिए एमियोडेरोन चालू कर देंगे। एक बार फिर से रिपोर्ट पढ़ देता हूं, 72 साल का आदमी है जिसको तुम्हारी चेस्ट पेन हो रही है, हार्ट रेट 450 बीट्स पर मिनट तक फुट चुकी है, इसी चीज जब देखा गया तो इरेगुलर आरआर इंटरवल मिल रहे हैं, पी वेव क्यूआरएस इंटरवल और टी वेव सब कुछ तुम्हारी नॉर्मल मिल रही है, मॉर्फोलॉजी भी सबकी नॉर्मल है, एविडेंस कोई एविडेंस नहीं वर्क पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम की या फिर एक्सेसरी पाथवे की, बीपी तुम्हारा 110/70 है, रेस्पिरेटरी रेट 16 प्रति मिनट है, टेम्परेचर नॉर्मल है, कोई शॉक नहीं हो रखा हुआ है, सिंस हार्ट रेट तुम्हारी 100 पार कर रही है, इसी वजह से एक टैकीअरिथमिया होगी और क्यूआरएस की ड्यूरेशन और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल है, इसी वजह से सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगी, लेकिन पी इंटरवल पी वेव तुम्हारी नॉर्मल है, इसी वजह से पीएसवीटी होगी, बाकी हार्ट रेट तुम्हारी 350 पार कर रही है, इसी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होगी और पेशेंट तुम्हारी हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, इसी वजह से हम लोग पहले ही उसका डीसी शॉक ना देखे, पहले हम लोग फास्ट हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल देखे, उसके बाद हम लोग इस पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन को साइनस रिदम में कन्वर्ट करेंगे डीसी शॉक डाल के, और उसके बाद हम लोग साइनस रिदम को मेंटेन करेंगे एमियोडेरोन डाल के। ये था इसका पूरा केस रिपोर्ट। थैंक यू।